सी आई टी एन सी आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा तीन की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार पृष्ठ संख्या सौ अध्याय आठ हमारा भोजन मेरी पसंद का खाना चित्र बनाइए घर में बनने वाली आपकी मनपसंद खाने की चीजों के चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए दिए गए स्थान में आप अपनी मनपसंद चीजों के चित्र बनाए पृष्ठ संख्या 101, गतिविधि एक अपने चित्र में बनाई खाने की चीजों को पसंद करने के कारणों को कक्षा में बताइए हम सब तरह तरह की खाने पीने की चीजें पसंद करते हैं इसमें कुछ मीठी कुछ खट्टी कुछ मसालेदार और कुछ कड़वी होती हैं। हम अपने खाने में फल सब्जियां, चावल दाल और रोटी खाते हैं हम दूध छाछ लस्सी या जूस भी पीते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों खाते व पीते हैं क्या आप जानते हैं छप्पन भोग एक विशेष प्रकार का भोजन है इसे विशेष त्योहारों व शुभ अवसरों पर परिवार के सदस्यों रिश्तेदारों मित्रों व अतिथियों की आवभगत के लिए बनाया जाता है इस भोग में छप्पन प्रकार के व्यंजन होते हैं तथा भोजन के छह रसों का मिश्रण होता है ये छह रस हैं मीठा तीखा कसैला खट्टा नमकीन और कड़वा पता लगाइए परिवार में बड़ों से बातचीत कीजिए और कक्षा में चर्चा कीजिए कि हमें खाने और पीने की आवश्यकता क्यों होती है शीरीन की कहानी धावक शिरीन कक्षा तीन में पढ़ती थी वो बहुत तेज दौड़ती थी कक्षा के सभी बच्चों से अधिक तेज दौड़ती थी एक दिन विद्यालय में किसी खेल आयोजन के दौरान शिरीन एक धावक से मिली जो एक चैंपियन थी और उसने बहुत सारे पदक भी जीते थे शिरीन ने उससे पूछा मैं तुम्हारी तरह कैसे दौड़ सकती हूं और पदक जीत सकती हूं शिक्षक संकेत बच्चों से उनके पसंद की खाने की चीजों के नाम पूछें उनके नाम बोर्ड पर लिखें और बच्चों को उनके बारे में बताने के लिए प्रेरित करें पृष्ठ संख्या 102 उस चैंपियन ने शरीन को बताया कि यदि वो खूब अभ्यास करे और संतुलित भोजन खाए तो वो भी एक चैंपियन बन सकती है शरीन ने कहा मैं बहुत अभ्यास करती हूं लेकिन अक्सर बीमार हो जाती हूं चैंपियन ने पूछा तुम क्या क्या खाती हो शिरीन ने बताया मुझे केवल चावल और आलू ही पसंद हैं। चैंपियन हंसी और बोली शिरीन तुम्हारा चावल और आलू खाना अच्छी बात है पर तुम्हें स्वस्थ व ताकतवर शरीर के लिए और भी बहुत सी चीजें खानी चाहिए तुम अलग अलग तरह के फल और सब्जियां खाओ अलग अलग अनाजों जैसे चावल रागी ज्वार गेहूं बाजरा आदि से बनी चीजें भी खाओ दालें वो सूखे मेवे भी खाओ घर में बना हुआ भोजन हमारे खाने के लिए हमेशा अच्छा होता है इस पृष्ठ पर कुछ चित्र हैं, जिसमें एक चित्र में चैंपियन शिरीन से बात कर रही है दूसरे चित्र में एक लड़का और लड़की बैठे कुछ खा पी रहे हैं और इसी पृष्ठ के मध्य भाग में खाद्य पदार्थों के कुछ और चित्र हैं और बीच में शीरीन का चित्र है जो भोजन कर रही है शीरीन ने चैंपियन की सलाह मानी उसने और अधिक अभ्यास किया तथा घर में बना अलग अलग तरह का भोजन खाना शुरू कर दिया उसे संतुलित आहार का महत्व समझ आया कुछ ही महीनों में वो पहले से अधिक तेज दौड़ने लगी अब वो अपने आप को अधिक स्वस्थ और ताकतवर महसूस कर रही थी पृष्ठ संख्या 103। हाल ही में एक दौड़ प्रतियोगिता में उसने अपने विद्यालय के लिए एक पदक जीता चर्चा कीजिए हमें संतुलित भोजन खाने की आवश्यकता क्यों है गतिविधि दो यहां दिए गए चित्रों में से खाने की उन चीजों पर सही का निशान लगाइए जिन्हें आप नियमित रूप से खाते हैं ये चित्र हैं सब्जियां सलाद फल मिठाइयां चावल दाल रोटी दूध नाश्ता यानी अल्पाहार लस्सी जूस और पनीर अब आपको इन चित्रों में से उन वस्तु पर निशान लगाना है जिन्हें आप नियमित रूप से खाते हैं चित्र में दिखाई गई किन चीजों को हमारे संतुलित भोजन का हिस्सा होना चाहिए पृष्ठ संख्या 104 हम तरह तरह की चीजें खाते हैं हमारे परिवार में बड़े लोग गर्मियों और सर्दियों में तरह तरह का खाना पकाते हैं गर्मियों में हमें आइसक्रीम या कुल्फी खाना और नारियल पानी पीना अच्छा लगता है सर्दियों में हम गर्मागर्म भोजन सूप या अन्य गर्म पेय पीना पसंद करते हैं अलग अलग मौसम में हमें अलग अलग सब्जियां और फल मिलते हैं गर्मियों में हमें आम व तरबूज तथा सर्दियों में सेब खूब मिलते हैं पता लगाइए गर्मियों और सर्दियों में मिलने वाली सब्जियों और फलों तथा बनाए जाने वाले विशेष व्यंजनों की सूची बनाइए यहां पर एक तालिका है तालिका के दो भाग हैं पहले में लिखा है गर्मी और दूसरे में सर्दी लिखा है अब आप इस तालिका को स्वयं भरें हमारे देश के विभिन्न भागों में तरह तरह का स्वादिष्ट भोजन खाया जाता है क्या आपने खाने की कुछ चीजों के बारे में केवल सुना है किंतु अब तक उन्हें चखा नहीं है आप आपके मित्र और आपके परिवार के लोग कई जगहों पर घूमने गए होंगे वहां खाए जाने वाले तरह तरह के भोजन देखे होंगे हो सकता है कि आपका कोई जानने वाला देश के किसी अन्य भाग में रहता हो तथा आपके भोजन से अलग तरह का भोजन खाता हो खाने की ऐसी चीजों के नाम पता कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उनकी चर्चा कीजिए पृष्ठ संख्या 105। सौ यहां दिए गए पेय पदार्थों का नाम अपनी भाषा में बताइए यहां पर कुछ पेय पदार्थों के चित्र हैं और दाएं तरफ सबसे ऊपर सूरज का चित्र है इन चित्रों के नीचे लिखा है नारियल पानी आम का रस आम पन्ना संतरे का रस नींबू पानी गर्मियों में मौसम गर्म होता है हमें बहुत पसीना आता है पसीना आने से हमारे शरीर से पानी निकलता है इसीलिए हम गर्मियों में खूब पानी छाछ नींबू पानी आम पन्ना गन्ने का रस या नारियल पानी पीते हैं जब हम खेलते हैं या कोई मेहनत वाला काम करते हैं तो भी हमें पसीना आता है इसलिए हमें बार बार पानी पीते रहना चाहिए आप दिन में कितनी बार पानी पीते हैं हमारे शरीर को बहुत पानी की आवश्यकता होती है हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते इसलिए हम अक्सर कहते हैं जल ही जीवन है हमारा भोजन कहां से आता है पता लगाइए क्या आप जानते हैं कि खाने की कौन कौन सी चीजें खेतों में उगती हैं इनमें से कुछ के नाम लिखिए चर्चा कीजिए और लिखिए कि इनसे कौन से व्यंजन पकाए जाते हैं पृष्ठ एक सौ छ हम पेड़ पौधों के अलग अलग भागों का खाने के लिए उपयोग करते हैं यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं इनमें से जो चीजें आप खाते हैं उन पर सही का निशान लगाइए पत्तियां यहां पर कुछ चित्र हैं उनके नीचे उनके नाम लिखे हैं ये नाम है पालक मेथी पत्ता गोभी सरसों और धनिया फल यहां पर कुछ फलों के चित्र हैं और उनके नीचे लिखा है अमरूद चीकू सेब और आम जड़ें यहां पर कुछ सब्जियों के चित्र हैं और उनके नीचे लिखा है गाजर मूली और चुकंदर पृष्ठ संख्या एक सौ सात तने यहां पर कुछ चित्र हैं और उनके नीचे लिखा है आलू हरे बांस का तना अदरक और प्याज बीज यहां पर कुछ बीजों के चित्र हैं और उनके नीचे लिखा है अनाज दालें सूखे मेवे कुछ लोग जानवरों से मिलने वाली चीजें जैसे शहद अंडे मांस दूध और दूध से बनने वाले घी पनीर दही आदि चीजें भी खाते हैं पहली सुलझाइए हमारे भोजन में सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली दो सामग्रियां ना तो पौधों से मिलती हैं और ना ही जानवरों से इनमें से कम से कम एक का नाम बताइए जब आपका मित्र विद्यालय में अपना दोपहर का भोजन लाना भूल जाता है तो क्या आप अपना भोजन उसके साथ साझा करते हैं पृष्ठ संख्या 108 आइए मंथन करें क चर्चा कीजिए एक हमें तरह तरह के भोजन की आवश्यकता क्यों होती है दो हम मौसम के अनुसार भोजन क्यों करते हैं तीन हम ये कैसे बता सकते हैं कि भोजन संतुलित है या असंतुलित चार भोजन की बर्बादी को रोकना क्यों आवश्यक है पांच घर में भोजन को बर्बाद होने से रोकने के कुछ तरीके बताइए ख लिखिए एक परिवार में खाए जाने वाले फलों और सब्जियों की सूची बनाइए दो अपनी पसंद के किसी व्यंजन को बनाने की विधि लिखिए तीन किसी ऐसे भोजन का नाम लिखिए जिसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री पौधों और जानवरों दोनों से मिलने वाली चीजों से बनती है उदाहरण के लिए लस्सी दूध से तैयार दही से बनती है जो जानवरों से मिलने वाली सामग्री है इसी तरह शक्कर हमें गन्ने से मिलती है और गन्ना पौधों से मिलने वाली सामग्री है ग चित्र बनाइए एक अपनी कॉपी में तीन प्लेटों या थालियों का चित्र बनाइए दो अब इनमें खाने की उन चीजों का चित्र बनाइए जिन्हें आप सुबह दोपहर या रात के भोजन में खाते हैं घ मिलकर खाइए कक्षा में कोई भी एक फल लेकर आइए अपने शिक्षक की सहायता से फलों की चाट या सलाद बनाइए सभी मिलकर खाइए अंगा सोचिए सोचिए कि यदि आपके घर में अचानक ही कोई मेहमान आ जाए तो आप उन्हें उस समय क्या खिलाएंगे और क्यों अभी आप सुन रहे थे कक्षा तीन की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारा अद्भुत संसार वाचन स्वर प्रवीण शर्मा ध्वनियांकन मंजू कुमारी निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति सी आईईटी एन सीईआरटी नई दिल्ली भारत